बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर ऑफ़ इंग्लिश। जिस तरह से अब आपको पता है कि यूनिट थ्री आपका जिसका फर्स्ट है, यूनिट थ्री का काम जो है वो जिसमें आपने यूनिट वन किया उसी में ही आप यूनिट थ्री करेंगे। मैंने यूनिट थ्री यहाँ लिखा है, आप जो है पेज पर यूनिट थ्री का टाइटल बनाएंगे। देन आप मैंशन करेंगे यहाँ पर डेट, DATE डेट, और डेट है आज 30/9/2020, और वर्किंग डे है आज हमारा 60/DAY/DAY 61। आज हम करेंगे थ्री लेटर वर्ड्स। यूनिट थ्री का पहला डे है और डे है 61, THREE, थ्री, LETER, लेटर, WORDS, वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स। जिस तरह से अब मैं आपको यहाँ पर लिखना बता रही हूँ, पी ये एक लेटर है, ई ये सेकेंड लेटर है, और टी ये थर्ड। 1, 2 और 3, ये थ्री लेटर वर्ड्स हो गया। पैट, पा एट, पैट। HEN, 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 hen. FED, 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 fed. LEG, leg, ill, egg, leg. BED, 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 bed. PEG, peg, pa, egg, peg. NET, net, in, at, net. TUB, tub, ta, up, tub. Pad means paltu, hen means murgi, fed, murgiyon ko dana khilate hain wo fed. Leg, paon, bed, पलंग। पैक, क्लिप्स जो होते हैं कपड़ों में लगाते हैं वो। नेट, जाली। टब, जिसमें कपड़े धोते हैं। जिस तरह से मैंने इधर दो लाइंस ड्रॉ किए, आप भी इसी तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पूरी लाइन में भी लिखेंगे और यहाँ पर भी आप लिखेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, प्रॉपर फॉर्मेशन में। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर। नाउ टेक आउट योर फोनिक रीडर एंड ओपन पेज नंबर 19। नाउ पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। माय पेट हैन इज फेड। माय पा एट पेट आन हैन इज फा एट फेड। माय पेट हैन इज फेड। माय लेग इज ऑन द बेड। माय एल एग लेग इज on the bed, bed. My leg is on the bed. The peg is in the net. The peg, peg is in the in at net. The peg is in the net. Okay student, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all, my lovely students? I hope you all will be fine. Today we are doing written work in our general knowledge copy. So let's start our work. Here we will write the date. DATE, date. We will write the date on which date we are working. And here we will write the day. DAY, day. And our following day is 61. 61. Our following day is 61. And our topic is going somewhere. Our topic is going somewhere. G-O-I-N-G. Going. S-O-M-E.
WHERE. Going somewhere meaning is कहीं जाना. Somewhere मतलब कहीं. Going मतलब जाना, किसी जगह जाना. Number one, fire engine. FIRE, fire. ENGINE, fire engine. Fire engine हमें किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसे आग बुझाने के लिए. Number two, bicycle. BICYCLE, bicycle. Bicycle जो छोटी साइकिल्स होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, जो दो पहियों वाली होती हैं, उसे हम bicycle कहते हैं, जिसे हम उर्दू में साइकिल कहते हैं. Number three, car. CAR, car. Number four, container. CONTAINER, container. LORRY, lorry, container lorry. Container lorry जिसमें हम सामान शिफ्ट करते हैं, जो पूरी बंद होती है, इसे हम कंटेनर लॉरी कहते हैं. नंबर फाइव, वैन. VAN, वैन. वैन जिसमें बच्चे वैन में स्कूल भी आते हैं. नंबर सिक्स, मोटरसाइकिल. MOTOR, मोटर. CYCLE, मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल हम बाइक को भी कहते हैं. नंबर सेवन, अंडरग्राउंड ट्रेन. UNDER, अंडर. GROUND, ग्राउंड, अंडरग्राउंड. TRAIN, अंडरग्राउंड ट्रेन. अंडरग्राउंड ट्रेन जो ज़मीन के अंदर से चलती है, उसे हम अंडरग्राउंड ट्रेन कहते हैं. नंबर एट, ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ZEBRA, ज़ेब्रा. CROSSING, ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम जब रोड क्रॉस करते हैं उसके लिए यूज़ होती है. जो तीन लाइंस आपने बुक में भी रीड की होगी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ था. जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो हमें रोड क्रॉसिंग करने के लिए इजी रहता है. फायर इंजन, बाइसिकल, कार, कंटेनर लॉरी, वैन, मोटरसाइकिल, अंडरग्राउंड ट्रेन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग. योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. काम आपका लाइनों के अंदर होना चाहिए, लाइनों से ना ऊपर ना लाइनों से नीचे होना चाहिए. ओके चिल्ड्रंस, अपना ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. हाउ आर यू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. टुडे वी आर रीडिंग 1000 वर्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. फर्स्ट वी विल ओपन अवर बुक, पेज नंबर 28. वी आर रीडिंग पेज नंबर 28 एंड आवर टॉपिक इज गोइंग समवेयर. आवर टॉपिक इज गोइंग समवेयर. फायर इंजन. फायर इंजन. फायर इंजन आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है. बाइसिकल. बाइसिकल. बाइसिकल दो पहियों वाली होती है, जिसे आप घर में भी खेलते हैं. टैक्सी.
car, container lorry, yep, container lorry, इसमें आप एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है वो शिफ्ट करते हैं, इसमें सामान सेफ ही रहता है. वैन, जिसमें बच्चे स्कूल आते हैं. मोटरसाइकिल, बाइक को कहते हैं, इसको हम मोटरसाइकिल भी कहेंगे, बाइक भी कहेंगे, जिसमें आप घूमते भी हैं. टायर जो है बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है. व्हील ये आपकी बाइसिकल में भी होती है, मोटर बाइक पे भी होती है. रेलवे ट्रैक जो है वो ट्रेन के लिए इस्तेमाल होती है. ट्रेन जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा फास्ट होती है. डंप ट्रक जो है कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होती है. लॉरी ये भी जो है सामान शिफ्ट करती है, इसमें भी हम कंटेनर लॉरी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आसानी होती है. लॉरी जो है हम जैसे घर शिफ्ट करते हैं तो इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं. एम्बुलेंस जो है किसी बीमार को ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है. जीप जो है हम घूमने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बस में भी हम सफ़र कर सकते हैं, कोई बच्चे जो स्कूल आते हैं वो बस में भी आते हैं. ओवरहेड ब्रिज ये बड़े रोड्स पर होते हैं, ये रोड क्रॉसिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ये रोड क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होता है. ट्रैफिक लाइट रेड, ऑरेंज और ग्रीन होती है, ये हमें सिग्नल देती है. लैंप पोस्ट जो रोड्स पर लाइट लगी भी होती है इनको कहते हैं. ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है हमें रोड क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं. डेंजर ये डेंजर मतलब ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ हॉल खुला हुआ है, अगर डेंजर की साइन हो तो आप उसके करीब नहीं जाएंगे. अंडरग्राउंड ट्रेन जो है ज़मीन के अंदर से चलती है. ओके चिल्ड्रंस, डू योर रीडिंग. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल माय स्टूडेंट्स. आई होप सो यू विल बी फाइन. I am your teacher of maths. Now let's start our work with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Now let's start. Today we will learn forward counting. आज हम करेंगे forward counting. तो सबसे पहले आप ऊपर heading लिखेंगे forward counting. Here mention date and here mention day. Day 61. अब heading लिखें फॉरवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग टू हंड्रेड वन टिल 230. सबसे पहले आप तीन कलर्स पिक कर लेंगे. एच मीन्स 100, टी मीन्स 10, यू मीन्स यूनिट. 201, 202, 203, 204,
205 206 207 208 209 210. Again you will write HTU. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220. Stay home, stay safe. Al-Hafiz. Assalamu alaikum. Umeed hai ki aap tamam bachche khairiyat se honge. मैं आपकी उर्दू की टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से. तो आज हम करेंगे उर्दू का काम. तो सबसे पहले आप उर्दू की कॉपी ओपन करेंगे. सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे. जिस दिन का काम हो उस दिन की आप तारीखियां लिखेंगे. और यहाँ पे आप दिन लिखेंगे. जो दिन हमारा डेली प्लानिंग का फॉलो होगा वो दिन लिखेंगे. आज कौन सा दिन फॉलो हो रहा है डेली प्लानिंग का? आज 61. तो आप यहाँ पे 61 लिखेंगे. आज हम उर्दू में करेंगे बे की आदि अशकाल बा ई बी. बे के साथ ये बा ई बी से जा ई जी तक. ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे. बे की आदि अशकाल बा उसी के साथ ये बा ई बी. ये को जब हम सोतियात में पढ़ते हैं तो वो ई हो जाती है. ठीक है, बा ई बी. बे की आदि अशकाल बा उसी के साथ छोटी ये बा ई पी. ते की आदि अशकाल ता उसी के साथ छोटी ये ता ई ती. टे की आदि अशकाल टा उसी के साथ छोटी ये ता ई टी. फे की आदि अशकाल ता उसी के साथ छोटी ये सा ई सी. अब हमारा कौन सा खानदान मुकम्मल हो गया? बे का खानदान. ठीक है, अब हम एक लाइन छोड़ेंगे और अब कौन सा खानदान शुरू होगा? जीम का खानदान. ठीक है, जीम की आदि शक्ल जा के साथ छोटी ये जा ई जी. जे की आदि शक्ल जा उसी के साथ छोटी ये चा ई जी. हे की आदि शक्ल हा उसी के साथ छोटी ये हा ई ही. हे की आदि शक्ल हो उसी के साथ छोटी ये हा ई हुई. अब हमारा कौन सा खानदान मुकम्मल हुआ? जीम का खानदान.
अब हम एक लाइन छोड़ेंगे, अब कौन सा खानदान शुरू होगा? दाल का खानदान, ठीक है। दाल, दा ई डी, दाल छोटी ए डा ई डी, दाल छोटी ए जा ई जी, रे छोटी ए इर ई री, रे छोटी ए इर ई री, जे छोटी ए जा ई जी, जे छोटी ए जा ई जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से। आज हम ताऊस, तस्मिया और सना पढ़ेंगे। आए पढ़ते हैं ताऊस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं निकाले हुए शैतान से अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ। ताऊस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं निकाले हुए शैतान से अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा, अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सना, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा, पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करती हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अजमत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। सना, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा, पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करती हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अजमत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अम्मा फाउंडेशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे अशारुस्सनाई। अशारुस्सनाई किसे कहते हैं? महीनों के नाम। अशारुस्सनाई का मतलब है महीनों के नाम। यनायर जनवरी, यनायर जनवरी। फरवरी, 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 फरवरी। मार्च, 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 मार्च। आज हम तीन ही नाम पढ़ेंगे, यनायर जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च,